कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे को सीने से तमंचा सटाकर मारी गोली। जरा सी बात पर आक्रोश इतना बढ़ गया कि जीवनदाता पिता ही अपने बेटे का हत्यारा बन गया। मामला मथुरा जिले के थाना माट के नगला गोरे का है। गांव नगला गोरे में आक्रोशित पिता ने बेटे को गोली मार दी। इस घटना में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पिता घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई और लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस मौके पर देरी से पहुंची। नगला गोरे निवासी निर्मल पुत्र सुरेश की शादी करीब 6 माह पहले हुई थी। रक्षाबंधन के त्यौहार के चलते निर्मल की पत्नी को लेने के लिए उसके मायके वाले आए हुए थे। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे निर्मल के पिता सुरेश और उसकी पत्नी के मायके वालों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। बात को बढ़ता देख निर्मल बीच बचाव में आ गया और अपने पिता की गलती को देखते हुए निर्मल के ससुराल वालों की ओर से बोलने लगा। यह बात निर्मल के पिता सुरेश को नगावार गुजरी और घर के अंदर जाकर तमंचा निकाल लाया। जब मामला बढ़ा तो सुरेश ने निर्मल के गोली मार दी। गोली लगने से निर्मल की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद सुरेश घटनास्थल से फरार हो गया। निर्मल की मौत की सूचना से गांव में खलबली मच गई और लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। अपनी आंखों के सामने ही पति की इस तरह हुई हत्या से निर्मल की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। आगे गाय को पिता गाय गलो कर रहे उल्टे सूधे बोल रहे मेरे छोटे भैया ने जो कहिया तो नातेदान में आगे नंगा चाय चो कर रहे अपे बाहर जाए के बैठो भाई बैठ के पे हैं अपे बाहर जाओ हाथ पकड़ के तो तुम बाहर जाओ यही बात अब मेरी बेइज्जती कर रही है। रात थे कहीं कछु ना आए। तुम कौन लगते हो लड़के के? मैं बड़ो भैया हूँ। अच्छा ये गोली किसने मारी है? सुरेश चंद ने पिताजी ने मारी है। आज नगला घेरवा थाना अंतर्गत मार एक पिता द्वारा अपने पुत्र को गोली मारने की सूचना पर मौके पर हमारा पुलिस बल था और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई उसमें की जा रही है। तहरीर जैसे मिलती है वो उसमें पंजीकृत है।